हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिलो हियर। वेलकम टू माय चैनल एवरीवेयर स्टडी सेंटर। आज से हम क्लास 8 के या जितने भी एनसीईआरटी क्लास है, बेसिकली अप टू क्लास 7 और क्लास 10 तक, हम जितने भी सोशल स्टडीज़ है टॉपिक है या कोई बुक है सोशल स्टडीज़ के, क्लास 10 तक वो हम डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। और ये बेसिकली एनसीईआरटी के जो आपके सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए 7 to आपके रहता है 6 to क्लास 8 तक, जो आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी सब्जेक्ट है, सोशल स्टडी की स्पेशली मैं बात करूँगा, तो उसमें आप लोगों के सीटेट एग्ज़ाम के इसमें से ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। तो इसको मैं क्या किया हूँ ना, आप लोगों के लिए ये बेसिकली आपके जो पॉइंट वाइज मैं लिखा हूँ, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और क्लास 8 के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छी तरह से दिख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं इसको एलाबरेट करूँगा भी, और मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर पढ़ना है, और आप लोग जो क्लास 8 पढ़ रहे हैं वो दिख सकते हैं और देखेंगे भी, अच्छा होगा। स्टोरी वाइज मैं समझा दूँगा, ठीक है। तो पहले देखिए, अगर चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेसिकली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा वीडियो तो, ठीक है। तो देखिए, पहले तो क्लास 8 का जो हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 से हम पहले डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का वो छोड़ दिया हूँ, चैप्टर 2 से हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है आपके फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटोरी, ठीक है। अच्छा, ट्रेड का अर्थ क्या होता है? ट्रेड का अर्थ होता है बिजनेस, ठीक है। और टेरिटोरी का अर्थ क्या होता है? टेरिटोरी का अर्थ होता है कहीं एक जगह पर अपना कब्जा करना, वो जगह को कब्जा कर लेना, अपने जो रूल रेगुलेशन है वहीं चलाना, ठीक है। एक टेरिटोरी बनाना, एक जगह बनाना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ रहे हैं? इसका अर्थ है कि पहले तो ट्रेड करने आए थे, ट्रेड को बिजनेस करने आए थे, और बिजनेस को क्या किया उसने, उन लोगों ने टेरिटोरी में कन्वर्ट कर लिए। इसका मतलब अपने जो रूल रेगुलेशन है वो वहाँ कब्जा कर ले, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलाने लगे। तो ये किसने किया था? ये किए थे ब्रिटिशर्स ने। अभी समझ में आ गए? तो ये जो ब्रिटिशर्स है, पहले तो ट्रेड करने आए थे, ठीक है। कहाँ पर? इंडिया में। बेसिकली हम देखेंगे तो इंडिया में, ठीक है। ये तो बहुत से कितने जगह पर वो ट्रेड किए थे, एशिया के लगभग हर एक जगह पर किए थे, अफ्रीका में किए थे, साउथ अमेरिका में किए थे, साउथ अफ्रीका में किए थे, सभी जगह में किए थे, ठीक है ना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया में ये लोग ट्रेड करने आए थे, और आपने जो हिसाब से अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से इंडिया को चलाने लगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम पॉइंट वाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्या आता है? बहादुर शाह जफर, ये जो है लास्ट मुगल एम्पायर थे, ठीक है। कौन थे? लास्ट मुगल एम्पायर थे। इनके और इनके जो फैमिली थे, ठीक है, इनको अरेस्ट किया गया था। देखो, मतलब कि ये जो है मुगल एम्पायर के बाद की, मतलब मुगल एम्पायर की जो एम्पायर था, मुगल एम्पायर के लगभग ख़त्म जब हो रहा था उस टाइम के बाद हम कर रहे हैं। उसके पहले तो, उससे पहले तो हम मुगल एम्पायर की बात कर चुके हैं, लेकिन जब लास्ट अगर मुगल एम्पायर की बात आए तो वो कौन है? वो बहादुर शाह जफर थे। तो उसको, उनको क्या किया गया ना, अरेस्ट किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन आता है विलियम स्टीफन राइक्स हॉडसन। तो ये इतना लंबा नेम तो नहीं देगा बेसिकली आप लोगों को, विलियम हॉडसन देगा, ठीक है, ध्यान में रखना। और मैंने कहा था कि कोई एक कंपनी था या कोई एक बिजनेस कंपनी था जो कि इंडिया को ट्रेड करने आया था, ट्रेड करने आया था मैंने कहा था। तो ये पहला कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है ओके मर्केंटाइल, ठीक है। मर्केंटाइल भी बोल सकते हैं, मर्चेंटाइल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग कंपनी है, और ये क्या क्या किया था? ये ट्रेड करता था स्पेसेस,
क्या, पेपर, कार्डमम, क्लोव्स, सिनामन, ये सब ट्रेड करता था। ठीक है, ट्रेड के लिए वो बेसिकली ब्रिटिशर्स आए थे। तो ध्यान में रखे कि ये जो ब्रिटिशर्स है ये किस लिए आए थे, ट्रेड, अभी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे कब्जा करते हैं इंडिया को, वो हम पढ़ेंगे डिटेल्स। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जाते हैं हम कि ये जो ट्रेड करने आए थे और ये कंपनी, ठीक है, मर्केंटाइल कंपनी, ये तो एक ट्रेडिंग कंपनी था, बेसिकली मेन ब्रांच था या मेन कंपनी था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम EIC बोलते हैं, सॉरी हाँ EIC बोलते हैं, इसे ईस्ट, आई से इंडिया और इसे कंपनी, इसका मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, ये बंगाल में कैसे ट्रेड किया पहले। ओके, देखिए एक चीज ध्यान में रखना है कि 18 सेंचुरी को हम क्या बोलते हैं, 1700 से लेकर 1800 को हम 18 सेंचुरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच क्या आएगा, तो उस टाइम में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा ट्रेड करते हुए। ठीक है, तो कैसे ये लोग करते रहे ट्रेड करके, अपने रूल रेगुलेशन कैसे बढ़ाए, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ये स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी से आए थे, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और धीरे धीरे, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बना या कहाँ से आया, कैसे ये सब तैयार हुआ, सब कुछ हम बता, अभी मैं बताऊँगा। देखिए पहले क्या हुआ था, 1600 में, ये क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, 1600 में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, वो आया था, कब आया था, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ध्यान में रखना है, 1600 में। ठीक है, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को आया था, किसके अपॉइंटमेंट के बाद, किसके हम कहेंगे तो परमिशन के बाद, इंग्लैंड के जो रूलर थे क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आ सकता है, तो जो क्वीन थे इंग्लैंड के, एलिजाबेथ फर्स्ट, ये अप्रूव किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए, सिर्फ बिजनेस परपोज के लिए। ठीक है, ऐसे टेरिटोरी बनाने के लिए या कोई रूल करने के लिए नहीं भेजे थे बेसिकली, और किस लिए भेजे थे, इसलिए भेजे थे ना, इसका मतलब है कि ये लोग ट्रेड करने के लिए भेजे थे। ठीक है, और धीरे धीरे ये लोग रूल दिखाने लगे हमें, तो ये हमें ध्यान में रखना है क्या कुछ को आता। चलिए उसके बाद क्या होता है, एक 1696 में क्या हुआ था, देखिए 1696 में जो मुगल के जो बेसिकली बंगाल में ही सब कुछ हुआ था, बंगाल एक ऐसा एक जगह था जहाँ पर बहुत सारे क्या मतलब हम कहेंगे तो बंगाल के एरिया जो लोकेशन था वो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता था, किस लिए ना, वहाँ जो मुगल एम्पायर था वहाँ बहुत बेनिफिट पाता था, तो इसलिए वहाँ पहले ही ओके बंगाल को टारगेट किए। ठीक है, तो बंगाल की जो जमींदारी सिस्टम था, ठीक है ध्यान में रखिए, जमींदारी सिस्टम, ये जो जमींदारी सिस्टम का अर्थ है कि एक जगह पर हमें ही अधिकार दिया जाए, तो ये किसने कहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था। ठीक है, कि एक जगह पर हमें दे दो। ठीक है, किसको कहा था, मुगल एम्पायर को, उस टाइम में जो मुगल एम्पायर थे ओके, वो क्या किए थे, परमिशन दे ही दिए थे, किस लिए परमिशन दे दिए थे, ठीक है भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, आप वहीं पे सिर्फ बंगाल में, मैं तो ये जो मुगल एम्पायर था या मुगल रूलर थे या एम्पायर थे, वो कहाँ थे बेसिकली, ये बेसिकली वो थे दिल्ली में, तो जो दिल्ली में थे वो तो बंगाल में आ नहीं सकते ना, तो इसलिए उन लोगों को कुछ लगा कि चलिए ठीक है, तो आप लोग हमें पैसा दे दो और आप वहीं काम करते रहो, ये ऐसे सोचते नहीं थे, ये जो मुगल एम्पायर थे ये सोचते नहीं थे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिशर्स है ये धीरे धीरे ऐसे ही करेंगे, तो ये सिर्फ जमींदारी के लिए या कुछ काम करने के लिए और टैक्सेस देने के लिए, पैसा देने के लिए ये भेजे दे दिए थे। ठीक है, लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वहाँ ओके यहाँ पर जमींदारी सिस्टम थ्री विलेज की, ध्यान में रखिए,
सिर्फ 3 विलेज के, ओके बंगाल को टोटल नहीं दिया, जो 3 विलेजेस थे उनको कैप्चर करने, सॉरी जमींदारी सिस्टम, जमींदार होने के लिए वहाँ परमिशन दे दिए थे मुगल ने, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, ये अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड की बात कर रहे हैं, ये लोग कंपनी जो ब्रिटिशर्स थे ये अधिकार नहीं किए थे। यहाँ पर जो रूल किसका था, मुगल का था। तो मुगल को कहे, किसने कहे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने कहे कि हमें कुछ इलाका या 3 विलेज, ठीक है 3 विलेज की एक परमिशन दिया जाए, वहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, जमींदारी सिस्टम दे दीजिए। तो अप्रूव हो गया, मुगल ने अप्रूव कर दिए कि आप लोग कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कह दिए, ठीक है। और बेसिकली इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, इम्पोर्टेंट बात क्या था कि कलकत्ता, ठीक है अभी जो कलकत्ता कहते हैं, वहाँ पे भी इन लोगों को, या कोलकाता जो वो बोल रहे हैं उन लोगों को, वहीं पे ही क्या कर दिया गया था, परमिशन दिया गया था, आप लोग जमींदारी सिस्टम कर सकते हैं, जमींदार हो सकते हैं, या वहीं पे आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ था, पहले ही देखो ये तो 1696 में परमिशन मिल गया था, लेकिन उससे पहले 1659 में, ठीक है 1651 में परमिशन मिल गया था मुगल एम्पायर के जो रूलर थे, एम्पायर थे, उनसे मिल गया था कि आप क्या कर सकते हैं, जो रिवर हुगली है, ठीक है ये क्वेश्चन आता है, रिवर जो हुगली है कलकत्ता में, ठीक है वहीं पे क्या कर सकते हो, क्या क्या किए इन लोगों ने, पहले फैक्ट्री लगाए, ध्यान में रखिए आप कन्फ्यूज मत होइए, पहले जो मुगल एम्पायर थे वो परमिशन दिए थे फैक्ट्री बनाने के लिए, ठीक है। और उन्होंने जो परमिशन दिए थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही फैक्ट्री बनाया था, कब, 1651 में। और पहला जो 1651 में जो इंग्लिश फैक्ट्री बनाया गया वो कहाँ बनाया गया, द बैंक ऑफ रिवर हुगली, हुगली में ये बनाया गया था, ओके इतना समझ में आ गया। तो ये धीरे धीरे क्या करने के लिए, वो जो बंगाल में जो एक देखिए बंगाल में धीरे धीरे जो छोटा छोटा मोटा जो क्या बोलते हैं हेड होते हैं, या जैसे कि कैप्चर करने वाले कोई स्टेट को मैं हेड बनूंगा या कुछ ऐसा होता है कि नहीं, मतलब जो कंपटीशन होता है, तो इसके हिसाब से बंगाल में क्या हुआ था उस टाइम में, एक नवाब थे, ठीक है कौन, बंगाल में एक नवाब थे जिसका नाम है अलीवर्दी खां, ठीक है यहाँ ध्यान रखिए जो अलीवर्दी खां थे, ओके अलीवर्दी खां ये स्ट्रॉन्ग रूलर थे या नवाब थे, उनको बनाया गया था। और उसके बाद जो उनके जो शख्स सोन थे या सिराजुद्दौला, ठीक है ये क्वेश्चंस बार बार आता है, ठीक है सिराजुद्दौला ये नवाब थे, कहाँ के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे। और बंगाल की नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वार हुआ था इन दोनों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला के बीच जो वार हुआ था, उस वार को हम बैटल ऑफ प्लेसी बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लेसी इसको कहा जाता है। ये कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ओके ये जो 1757 में हुआ था ये पहला वार था इंडिया को कैप्चर करने के लिए, या मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को दिखाने के लिए, ठीक है। तो पहले वार था जो कि सिराजुद्दौला को हराया गया, ओके और बंगाल को टोटल बंगाल की जो एरिया है कवर किया गया, कैप्चर किया गया, ठीक है ओके। तो कैसे किया गया,
तो इस टाइम में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव ने वार किए थे किसके साथ, सिराजुद्दौला के साथ। यहाँ पर एक स्टोरी समझिए कि जो सिराजुद्दौला थे ये बेसिकली किसी की बात को समझते नहीं थे। इसका मतलब क्या है, किसी को बात, किसी की बात का मतलब ब्रिटिश ने पठाया, भेजा था कि क्या भेजा था कि आप क्या करें, आप हमारे अंडर में काम करिए और आप, मैं, हम, आप लोग, हम क्या करेंगे, तुमको पैसा भेजेंगे टैक्सेस के थ्रू, या हम तुमको पैसा देंगे और हमारे अंडर काम करो और बंगाल क्या करो हमें दे दो। ये बोले थे किसने, रॉबर्ट क्लाइव या अदरवाइज वी कैन कॉल ब्रिटिशर्स। लेकिन सिराजुद्दौला ने साफ साफ मना कर दिए। किस लिए मना कर दिए कि अरे हम तो हमारे इलाके में रहते हैं, तो हमें, हमें, हम क्यों उनको मतलब क्या है उनको दे दें हमारे इलाका, ठीक है, कि उनके हिसाब से हम क्यों चलेंगे, तो ये मना कर देते। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1757। सिराजुद्दौला जो है बेसिकली ये लड़ाई जीत जाते, ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला के जो हम कहेंगे तो ओके जो क्या बोलते हैं उसे, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर जो सोल्जर था, हेड सोल्जर हम कह सकते हैं, उसने क्या किया था, उसने धोखा दिया था किसको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने सोल्जर के साथ ये लोग गए थे, लेकिन मीर जाफर ने किसके अगेंस्ट लड़ी, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ी, ब्रिटिशर्स के साथ दिए, ठीक है। ये इंडिया का था, मीर जाफर जो था इंडिया का था, और ये जो लड़ाई हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, सिराजुद्दौला की डिफीटेड होता है और मीर जाफर को उस बंगाल की नवाब बनाया जाता है, नवाब बंगाल 1757 में। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ गया क्या कि नवाब ऑफ बंगाल 1757 में किसको बनाया गया, तो आंसर इज वियर मीर जाफर, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर ने एक पप्पड़ बोलते हैं, पप्पड़ क्या मतलब, किसी के हिसारे के हिसाब से काम करना, तो पप्पड़ बन नहीं पाया किसके, हमारे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं क्या, अपने हिसाब से वो रूल करना चाहता था ना, अपने हिसाब से काम करेंगे, मैं ही बेनिफिट, मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसे क्या था, तो इसलिए इसको डिफ्यूज करके ओके मीर कासिम को इंस्टॉल किया गया था। अर्थात इसका मतलब क्या है कि उनको, मीर कासिम के को वहाँ अपॉइंटमेंट दिया गया था एज ए नवाब बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो मीर कासिम है, मीर कासिम क्या करते हैं, मीर कासिम कंप्लेन हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए मीर कासिम और मीर जाफर के बीच एक लड़ाई होता है जिसको हम बोलते हैं द बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर आता है, उसको हम पढ़ेंगे। द बैटल ऑफ बक्सर, इसमें क्या हुआ था, देखिए ये जो मीर जाफर था, देखिए यहाँ पर बार बार क्वेश्चन, बार बार ये नाम दोनों आएंगे, मीर जाफर एंड मीर कासिम, ठीक है ना। ये जो मीर जाफर था, इनको तो नवाब बनाया गया पहले, जब बैटल ऑफ प्लासी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया, उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को नवाब बनाया गया बंगाल के। लेकिन मीर जाफर जो है पप्पड़ बनने पाया ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद, नहीं माना, तो मीर कासिम को इंस्टॉल किया गया रिप्लेस ऑफ, या हम कह सकते हैं तो मीर जाफर की जगह बनाया गया नवाब, ठीक है। जब मीर जाफर ने कंप्लेन कर दी मीर कासिम के जो काम था, उनका जो वर्क था, वर्क प्रोसीजर जो भी था, जब मीर जाफर ने, या कुछ ऐसा षड्यंत्र हुआ था जो कि मीर कासिम को, या मीर कासिम के अगेंस्ट कंप्लेन आ गया, ठीक है, जब मीर कासिम के अगेंस्ट कंप्लेन आ गया, तो मीर कासिम को वहाँ से हटाया गया और
मीर जाफर को वहाँ इंस्टॉल किया गया, री इंस्टॉल किया गया, फिर एक बार मीर जाफर को रखा गया। ठीक है, जब ये जो मीर जाफर एंड मीर कासिम के साथ जो लड़ाई हुआ, ठीक है, इस लड़ाई को हम बोलते हैं द बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, मीर कासिम जो था इनको नवाब से हटाया गया। ठीक है, समझिए जो मैंने कहा, सब समझ गए सब? ठीक है, समझे? ठीक है, तो चलते हैं। और क्या दिया गया, ही पोस्ट डेंजर टू देयर एग्जिस्टेंस इसने कंपनी रिप्लेस, हाँ तो रिप्लेस किया गया मीर जाफर को। इतना समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस फिर आता है, टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान को हम क्या बोलते हैं, टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं। ये मैसूर के जो मैसूर के वो भी ये लोग कब्जा करने के लिए कोशिश किए थे और बहुत हैरान भी किए थे, और इनके साथ जो वार हुआ था ये भी हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। जो टीपू सुल्तान उनके जो पिताजी थे हमारे हैदर अली, ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। देखिए ये जो टीपू सुल्तान, ठीक है, ये तो टीपू सुल्तान थे हैदर अली के सौ, जब मैसूर में जो हैदर अली थे ये भी एक सुदृढ़ शासक थे, लेकिन उसके बाद जब टीपू सुल्तान आई ये भी उससे ज़्यादा सक्सेसफुल शासक थे। ठीक है ना, तो इन लोगों के साथ भी जो लड़ाई हुआ था इसको बोला जाता है एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, क्लियर? तो ये जो टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर इनको कहा जाता है, ये इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, वर विद द मराठास, मराठास के साथ जो लड़ाई हुआ था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो वार था, अच्छा तो इसको हम क्या करेंगे अगले क्लास में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो है हमारे वार विद द मराठास इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है,